दोस्तों अभी जो भी आपने लुक देखा है वो बैदही रेलवे स्टेशन का लुक था। तो अब हम आपको क्या करेंगे ना, बैदही रेलवे स्टेशन का बाहर और अंदर से सारा व्यू दिखाएंगे। बस आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा और लास्ट तक सब वीडियो को देखिएगा ताकि आप सब भी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेट आती है आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी जो है ट्रेन के लिए जनकपुर की ओर गई है और जैसे ही जनकपुर से आएगी हम आपको दिखाएंगे कि ट्रेन का अब स्पीड कैसा है, क्योंकि 14 दिनों से ट्रायल अभी चल रही है। तो चलिए तब तक आती है तब तक हम आपको दिखाते हैं कि बैदही रेलवे स्टेशन का लुक कैसा है। तो देखिए चारों बगल का लुक कितना देखने में सुंदर लगता है। दोस्तों बात करें कि गांव बैदही रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है बैदही गांव, तो देख सकते हैं कि ये है बैदही रेलवे स्टेशन। और जस्ट आप अगर इस साइड देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि गांव जो है बहुत ही नज़दीक यानी कि सटा ही हुआ है बैदही गांव, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस साइड अगर आप देखिएगा तो यह बैदही रेलवे स्टेशन और इसी के अंदर से बैदही रेलवे स्टेशन के अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये है बैदही रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर है और यहीं से टिकट मिलेगा जब रेल स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ट्रेन आ रही है। चलिए दिखाते हैं कि अभी ट्रेन का जो रनिंग है और स्पीड जो है वो कैसा है। और आज जो है वो बैदही रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 पे आ रही है। आंधी ना आती थी वो 2-3 पे आती थी, लेकिन आज देखिए प्लेटफार्म नंबर 1 से गुजर रही है। तो देखिए अभी ट्रेन का स्पीड सब कैसा है। रुकी है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेन बैदही रेलवे स्टेशन पे मतलब रुक चुकी है। कि आप देख सकते हैं कि ट्रेन बैदही रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 1 से निकल चुकी है। अब वो जाएगी इनरवा को और इनरवा में जाके वो रात भर विश्राम करेगी और फिर कल आएगी। तो अभी जो है वो ट्रेल ही चल रहा है। तो अभी जो है वो नेपाल रेलवे जो है बैदही रेलवे स्टेशन से गुजर चुकी है और अभी भी ट्रेल ही चल रहा है, क्योंकि 14 दिनों से अभी सिर्फ ट्रेल चल रहा है। और जैसे ही फिक्स डेट निकलता है हम आपको अपडेट दे देंगे कि कब स्टार्ट होगी और पैसेंजर को लेके जाएगी। फिलहाल अभी ट्रेल ही जारी है।